जून का महीना है, गर्मी की छुट्टियां हैं और गर्मी की छुट्टियों में तो घूमने का मन कर ही जाया करता है। कहीं घूमने जाने के बारे में सोचा या कहीं यात्रा करके आई हैं आप? आपने तो एक ही बार में दो बातें कह दी। मैंने तो एक ही बात पूछी थी, ये दूसरी बात कहाँ से आ गई? पहले आपने घूमने की बात की और साथ ही यात्राओं की बात भी कह दी। समझ गया, तो यात्रा करके आई हैं आप। कहाँ की यात्रा? यात्रा तो हम सब कर रहे हैं इस संसार में, लेकिन मैं अंतर यात्रा करके आई हूँ। अंतर यात्रा? लगता है आज की चर्चा तो काफी गहरी होने वाली है। इससे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपने श्रोताओं को संग ले चलते हैं वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। मैं राकेश, मैं कामना, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन निरंकार। कामना जी, ये अंतर यात्रा है क्या? राकेश जी, वैसे तो रोज ही हम किसी ना किसी यात्रा पर निकलते हैं। कोई स्कूल जाता है, कोई अपने ऑफिस जाता है, कोई घर में रहकर ही काम संभाल रहा होता है। हर एक के जीवन की अपनी यात्रा है और उस यात्रा के अपने अपने मायने हैं। पर इन सभी यात्राओं में गति है, बदलाव है। अंतर यात्रा में ठहराव है, यहाँ रुकना होता है। आपने ठहराव की बात की तो मेरा मन पुरानी यादों में चला गया। कई बार मैं पुरानी यादों में जाकर ठहर जाया करता हूँ और फिर मन में अक्सर ऐसे सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, और यदि मैं कुछ और करता, कुछ अलग करता, तो उसका परिणाम भी कुछ अलग ही होता। राकेश जी, अंतर यात्रा का एम ही उस क्यों को जानना और उस क्यों से बाहर आकर सही उत्तर को पाना है। अंतर यात्रा अपने मन के भीतर जाकर भावों को, विचारों को, स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना कि मैंने अपने भीतर क्या स्टोर किया है और जो कुछ भी स्टोर किया है, क्या मुझे उन सब की जरूरत है, मुझे क्या स्टोर करना चाहिए, बस इसी का एनालिसिस करना, इसी को जानना अंतर यात्रा है। कामना जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए मिलकर सुनते हैं संपूर्ण अवतार वाणी का ये पावन शब्द। जो बंदे दिन रात जुबा तू तू ही तू ही कहंदे तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू जो रब ओ देव विच
कामना जी, आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसा आपने कहा कि मैं अंतर यात्रा करके अपने मन के भावों को जान लेता हूँ और एनालिसिस कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मैंने ये सब कर लिया, तो फिर अंतर यात्रा से मुझे मिलेगा क्या? जी राकेश जी, जीवन के इस सफर में हम सब की चाह रहती है कि हमें खुशी मिले, सुख मिले, आनंद मिले, सफलता मिले, और मिलता भी है, लेकिन हर बार नहीं मिलता। बहुत बार जीवन में उदासी, निराशा, असफलता, ऐसी स्थिति जो हम नहीं चाहते हमारे सामने आ जाती हैं। और जब ऐसी स्थिति में हम होते हैं तो हम कारण ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, उसका उत्तर ढूंढ रहे होते हैं अपने चारों ओर। लेकिन समझने वाली बात यह है राकेश जी, सब कुछ हमारे भीतर घटित हो रहा है, उसका उत्तर हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने खाना खाया, ये एक एक्सटर्नल एक्टिविटी है, लेकिन सेटिस्फेक्शन, तृप्ति कहाँ हुई? भीतर। किसी ने मुझे कड़वे शब्द बोल दिए, शब्द मेरे कानों ने सुने बाहरी तौर पर, लेकिन दुख और पीड़ा कहाँ हुई? भीतर। किसी ने मेरी प्रशंसा करी, तारीफ करी, तारीफ तो सुनी गई, बाहर हुई, लेकिन खुशी महसूस हो रही है भीतर। और जरूरी नहीं कि हर बार कारण भीतर ही हो, कई बार बाहर भी कारण होते हैं। कोई एक्शन बाहर हो रहा है लेकिन रिएक्शन तो भीतर ही है ना, उसको मैं काबू कर सकती हूँ। अंतर यात्रा से लाभ है कि जो मन के भीतर रिएक्शन है वो मेरे वश में है, मैं अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल कर सकती हूँ, और यही बेनिफिट है अंतर यात्रा का। लेकिन सबके लिए तो कंफर्टेबल नहीं होता है अंदर जाकर अंतर यात्रा करना। इस वजह से भी कई बार लोग बाहर ही ढूंढना चाहते हैं उस कॉज को भी जी। लेकिन ये तो मुझे समझना होगा कि अगर उन चीजों को सुधारना है तो मुझे तो वही करना होगा जो मैं कर सकता हूँ। मुझको अंतर यात्रा करके पहले तो ये समझना होगा कि समस्या है किधर, और जब मुझे पता चल जाता है कि समस्या अंदर है तो मुझे सुधार पहले तो वही करना होगा। लेकिन अंदर का सुधार इतना आसान नहीं होता। कई बार मैं अंदर जा करके वो अंतर यात्रा करना नहीं चाहता, और कई बार मैं अंदर जा करके वो अंतर यात्रा कर नहीं सकता, और इन दोनों परिस्थितियों में मुझको बहुत आसान लगता है कि वो उंगलियां दूसरे की ओर कर दी जाएं। लेकिन ये तो मैं जान ही गया हूँ कि सुधार तो होगा तब जब मैं वहां कार्य करूंगा जहां उसकी जरूरत है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमेशा वो सुधार की आवश्यकता अंदर ही होगी, ये तो मुझको देखना है। और अगर वो सुधार की आवश्यकता बाहर है तो मैं वही सुधार का कार्य बाहर भी करूँ। वाह राकेश जी, ये चर्चा तो बहुत सुंदर रूप लेती जा रही है। अंतर यात्रा के और पहलुओं को जानने के लिए आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट पैनल डिस्कशन की ओर।
आज हमारे साथ पैनल डिस्कशन में जुड़ने जा रहे हैं आदरणीय महात्मा गगन भाटिया जी, जिन्हें सतगुरु ने बहुत सारी सेवाएं दी हुई हैं और ये बड़े चेतन रूप से उन सभी सेवाओं को निभाते चले आ रहे हैं। पूज्य गगन भाटिया जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। गगन जी, जैसा आप जानते हैं, अंतर यात्रा के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो इस विषय को लेकर आपका क्या अनुभव है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? कामना जी, अंतर यात्रा यानी कि भीतर उतरना जी। मगर आज जो भौतिकता की दौड़ है, इसमें न जाने इंसान कितने कितने आवरण अपने ऊपर चढ़ा लेता है, बिल्कुल खुद को भरता चला जाता है जी। जबकि इससे विपरीत जो अंतर मन की यात्रा है जी, वो निरंकार की यात्रा है। वाह, उसमें उन आवरणों को उतारना होता है राकेश जी। बिल्कुल, खुद को खोना अंतर यात्रा है जी, और खुद को खोना ही निरंकार होना है जी। इसी से जुड़ा राकेश जी, मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। के लॉकडाउन का पीरियड था, और जैसे अक्सर हम वो सुनते हैं कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, जी। तो बस वही काम करना था। एकदम ध्यान आया कि आज ड्रॉर को क्लीन किया जाता है, और आप जानते हैं कामना जी, सबके घरों में कॉमन ड्रॉर ऐसे होते हैं जिनको हम भरते तो चले जाते हैं मगर कभी खाली नहीं कर पाते जी, हैं जी, कभी हैं। समय ही नहीं निकल पाता कि उस तरफ ध्यान जाए जी। तो बस उन्हीं को खाली करना था, और उसी से फिर शुरुआत हुई वहीं। अच्छा जी। जब मैं साफ कर रहा था तो देखा कि धीरे धीरे उसमें से कुछ पहले पेपर निकल रहे हैं, कुछ और निकल रहा है जी। तो वो ड्रॉर गहरी थी और उसमें से काफी कुछ सामान निकल रहा था जी। बहुत सारा सामान ऐसा था जी, जो राकेश जी मैं ढूंढा करता था। प्लेच का था, प्लास था जी, या एक वो स्टेपलर्स की पिंस थी, वो भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो नीचे पड़ी थी। तो क्योंकि वो होता क्या है कि ऊपर बहुत सारा ऐसा सामान था जिसके कारण वो कभी नीचे तक देखने को मौका ही नहीं बना। बिल्कुल। और एक तो कमाल की बात है कि दो तीन दिन पहले ही महापुरुष कहने लगे कि एक फ्राई पैन है किचन का, उसका हैंडल थोड़ा लूज है जी, तो उसका पेच आप कस दें, पेचकस ले आए जी। तो अब वो पेचकस मैंने इधर उधर ढूंढा, मैंने वो उस कॉमन ड्रॉर में भी ढूंढा, बट क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान था और शायद वो नीचे था तो वो मुझे उस समय मिला ही नहीं। मगर मैं हैरान था कि ये तो सारा सामान यहीं था जी। और इसको तो मैंने न जाने कितनी बार खोजा, कितनी बार इसकी तलाश मुझे थी और ये नहीं मिल पाया। और खैर उस दिन वो ड्रॉर तो साफ हुआ जी। मगर वो ड्रॉर को साफ करते करते एक बहुत बड़ी गहरी शिक्षा जरूर साथ में रखे इसी मुझे मिली। सतगुरु भी तो आज यही कह रहे हैं जी कि हम क्यों ना अपने अंदर उतर करके अपने मन के ड्रॉर को कभी कभी साफ करें। बिल्कुल। क्योंकि मन के ड्रॉर में भी तो ऊपर हमने अहंकार को रखा हुआ है, स्वार्थ को रखा हुआ है, ईर्ष्या और द्वेष को रखा हुआ है जी। और जो असल जिंदगी की जरूरतें हैं, चाहे वो प्रीत है, चाहे वो विशालता है, चाहे वो विनम्रता है जी, चाहे वो सरलता है, सहजता है जी, दया है, करुणा है, जिन दिव्य गुणों का चर्चा अक्सर हम सत्संग में सुनते हैं जी, मगर वक्त आने पर क्योंकि जिंदगी की ड्रॉर में मन के ऊपर वो चीजें पड़ी हैं जो भौतिक संसार में मुझे दाएं बाएं पड़ी दिखती हैं जी, मैं वही उसमें ऊपर ऊपर रख लेता हूँ जी। और जहाँ मुझे करुणा की जरूरत है, दया की जरूरत है, वहां मैं स्वार्थ को उठा लेता हूँ जी, क्योंकि उस समय ऊपर मुझे वही दिख रहा है जी। और जहाँ विशालता की जरूरत है, वहां मैं संकीर्णता को अपना लेता हूँ। ऐसे ही होता है शायद हमारे जी। साथ बिल्कुल। और उस समय की परिस्थिति तो ठीक है कि हो सकता है कि हैंडल हो जाए जी, मगर जिस सुकून की, जिसको सतगुरु कह रहे हैं कि अंतर मन का सुकून जी, वो नहीं हासिल होता जी। जो ड्रॉर में सब कुछ वो पड़ा हुआ है जी, जो संसार की दाएं बाएं पड़ा हुआ है और मैंने अपने अंदर रख लिया है जी, तो फिर मैं उस समय इस्तेमाल भी उसी को करता हूँ। और जब उन गुणों को खोजने के लिए जब मैं उतरा मन की ड्रॉर के अंदर जी, तो जब ऊपर से वो सारी चीजें निकली तो आप हैरान होंगे जी, मुझे विशालता उसी ड्रॉर में मिली। वाह जी। करुणा, दया, क्षमा, प्रीत, प्यार, वो सारे दिव्य गुण जो रोज मैं सतगुरु की विचारों में सुनता हूँ, वो मन के भीतर ही मिले मुझे। वाह जी वाह। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम मन के ड्रॉर को भी साफ रख सकते हैं, गुरु के वचनों को मान करके, गुरु के वचनों को अपना करके। बिल्कुल। कितना प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात राकेश जी, मुझे गगन जी ने हमारे साथ साझा की।
गगन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आकर गुरमत से भरे इन भावों को रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दानकार जी। थैंक यू जी दानकार। कामना जी, जी अभी महापुरुषों ने इतना खूबसूरती से ये ड्रॉर का उदाहरण देकर के समझाया जी किस तरह से मैं ये अंतर यात्रा कर सकता हूँ और किस तरह से मैं वो सुधार कर सकता हूँ जो मुझको अपने अंदर करने। जी राकेश जी, जब मैं ये सुंदर भाव सुन रही थी तो एक विचार मेरे मन में आ रहा था। मुझे लग ही रहा था आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी, मेरे मन में आ रहा था कि जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से गहरे जमीन में जुड़ा होता है। हाँ जी। तो वो स्थिर रहता है। बिल्कुल। और चेतन रहता है, उसके अंदर जीवन होता है, पोषण होता है। हाँ, ग्रोथ होती है। ठीक इसी तरह से जैसे मेरा मन इस निरंकार रूपी धरती से जुड़ा है, मेरे मन की जड़ें इस निरंकार के अंदर गहरी हैं, तो मेरी चेतना, मेरी अंतर यात्रा, मेरे जीवन में ठहराव, सब कुछ संतुलित रहेगा। वाह जी वाह। कामना जी, अब आपने बात करी ठहराव की, तो हम भी अपनी इस चर्चा में ठहर कर रस परिवर्तन करते हुए अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जी, जिसका नाम है रंगमंच से। तू कोई और है, जानता है तू, सामने जहान के एक नकाब है। ओरे बाबा, तुमने उसको ऐसा बोला कि नहीं बोला? लेकिन अब मेरा पॉइंट भी तो समझो ना। हम पूरा गंभीरता से सब समझ रहा है। ओ भाई, लगता है आज इसने फिर से किसी के सूट टाइट कर दिए। सर, क्या हुआ सर? आओ आओ, ये तुम्हारा ही मित्र है ना? कोई डांट खाने वाला काम किया तो नहीं सर? अच्छा, और कोई तारीफ वाला काम हुआ हो तो शी इज माय बेस्ट फ्रेंड सर। तू तो बाहर मिल मुझे आज। ओड़ी बाबा, देखा तुमने, इसका क्रोध का तापमान हमेशा बढ़ता रहता है और इसका प्रतिशोध की अग्नि में ये भी भड़कता रहता है। यार एक तो ये आदमी क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। सुन लो सब लोग, हमारा गुरुकुल में ये सब नहीं चलेगा, समझा? गुरुकुल का मतलब समझते हो ना? जी सर, पता है। पता है तो ये भी पता रखो कि हम यहाँ का प्रबंधक है। प्रबंधक व्हाट सर? मैनेजर है हम तुम्हारा, तुम्हें निकलवा भी सकता है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा मत बोलिए। लेकिन सर एक्चुअली हुआ क्या? अपना मित्र से पूछो, क्या बोल के आया है अभी दूसरे व्यक्ति को? हाँ भाई मित्र प्यारे, बोलो। मुझे शांति चाहिए थी, तो वो तबले पे प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे इरिटेशन हो रही थी, तो फिर मैंने बोल दिया कि ओ अग्गे की ये कि बंद कर दे, वरना इसी तबले से तेरे सर पे सापा धा बजा दूंगी। सीरियसली तू ये बोल के आई अंदर? हाँ जी, यही बोल के आया है, अपना मित्र को समझाओ वरना यहाँ से इनका पादानी सा करवा दिया जाएगा। नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप ठीक रहिए, आप चिंतित मत होइए, मैं संभाल लूंगा। भालो, खूब भालो, अच्छा लड़का है तुम। जी जी सर, शुक्रिया। अब ये कहाँ गई? तो यहाँ है तू? पता नहीं यार कैसे। एक मिनट, यहाँ नहीं, सामने वाले कैफे में चलते हैं, मस्त कुछ ठंडा पीते हैं पहले, फिर बात करते हैं, ठीक है? पर कुछ नहीं, आजा, लेट्स गो। ओए शडू, चल अब एक बढ़िया सा गाना हो जाए। ट्यून तो कर लूं पहले से, जब तक अंदर से सही ट्यूनिंग ना हो तब तक बाहर से कुछ भी सही नहीं निकलता। वही तो तू समझ नहीं रही। मतलब कि चल क्या रहे तेरे अंदर,
ये सब सडनली ऐसे रिएक्शंस आते कहाँ से हैं? आई डोंट नो, पता है तब से यही सोच रही हूँ कि मैं प्यार से भी बोल सकती थी। द कंसेप्ट ऑफ सकती थी, सकता था। चलो अब कुछ नया लाए हैं भावेश्वर महाराज। थैंक्स। ये वैसे नाम नया है लेकिन जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना है। तो डालिए फिर रोशनी। देखो, मानव प्रजाति ने ना खुद को बड़े ही भरमों से घेरा हुआ है। वैसे आपसे कभी कोई गलती हुई है? मतलब गलती हुई है कभी? ऑब्वियसली होती रहती है, इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। वही तो, एक वहम और भरम से घेरा हुआ है खुद को। एक गलत ऑप्शन और एग्जाम का रिजल्ट बदल जाता है। फिर लगता है कि मैं सही ऑप्शन टिक कर सकता था। मम्मा पापा से ऊंची आवाज में बोला गया, फिर लगता है यार प्यार से बात कर सकता था। किसी दोस्त को जज कर लिया और वो जजमेंट गलत निकली, फिर लगता है मैं उस पे विश्वास दिखा सकता था। सकता था। ये सकता था कि नौबत आती ही क्यों है? सिचुएशंस की वजह से हमारा रिएक्शन वैसा निकलता है फिर। एंड सिचुएशंस कब क्या हो जाए हमारा कंट्रोल थोड़ी है। ट्रू। और ये रिएक्शंस, उन पे तो हमारा कंट्रोल हो सकता है ना? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। मतलब आई एम कंफ्यूज नाउ। वैसे यहाँ की कोल्ड कॉफी और ये सैंडविच ना बड़ा टेस्टी है यार। सॉरी, तू कहाँ थे? हम कहाँ थे? यही कि कैसे ठीक करूँ, बाहर का माहौल सब ठीक रहेगा ना, बाय गॉड मैं ऐसे रिएक्ट भी ना करूँ। देख, पता है कभी कभी सब कुछ बाहर ठीक करने से पहले सब कुछ अंदर ठीक करना ना बहुत जरूरी होता है। अंदर एज इन अ ट्रिप, अ जर्नी। बाहर तो बहुत घूमते हैं लेकिन एक अंदर की ओर का सफर, एक ऐसा सफर जो मुझे मुझसे मिलवा दे, जो मुझे मेरी कमियां दिखा दे कि आखिर मैं गलत जा कर रहा हूं। और उसी में तो सबसे ज्यादा ताकत लगती है, खुद की खामियों को देखना। पर फिर सब चेंज हो जाएगा क्या? देख, सिर्फ अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके, सब देख कर, जानकर ही चेंज नहीं होगा। खुद में बदलाव लाने से बाकी सब चेंज होगा। कि आखिर क्यों गुस्सा आता है मुझे, क्यों गलतियां हो रही हैं, क्यों कुछ भी बोल दिया जाता है। कुछ तो है जिसे मेरे अंदर शांत होना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट मिस्टेक्स, जो जाने अनजाने में हो जाए? आई थिंक इट्स बाय नेचर। गलतियां तो हो जाती हैं लेकिन जिसे अपने अंदर के इस सफर को तय करना आता है ना, वो इन गलतियों को भी बदल सकता है। इसलिए मैं ये बोलता हूं कि गलती कर जाना प्रकृति है और वो गलती मान लेना संस्कृति है, और उसी गलती को सुधार लेना प्रगति है। हमें अंदर के इस सफर को तय करके प्रोग्रेस की स्टेज पर आना होगा। बाहर के लोगों को या इन सिचुएशंस को ब्लेम करके उन्हें हराने में क्या मजा। दम है तो अपने अंदर के सफर पे चल के खुद की खामियों को, खुद की कमजोरियों को हराए तो फिर बात बने, और फिर देख खुद खुदा तेरे इस सफर का सफरनामा लिखेगा। ओह, मेरा दिमाग इस टाइम, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सब ओपन हो गया हो। और हो भी क्यों ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट। अब और कोई बहाना नहीं, बस ये चेंज करना है तो करना है, और होगा जब मैं खुद में खुद से सवाल करूंगी। यस, वही जो थोड़ी देर पहले तूने कहा था ना। जब अंदर की ट्यूनिंग सही होगी तो बाहर अपने आप सब सही निकलेगा। जिसे ढूंढा जमाने से उठा तेरी ओर को कदम, पहला मिलेंगे हम।
कामना जी, जी राकेश, आज जी? के डिस्कशन में हमने जिन पहलुओं को छुआ, मुझे याद आया मैंने ये सारे पहलू जी एक कोट में पढ़े थे। एश एल्स, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑथर हैं, अच्छा, उन्होंने अपने कोट में लिखा, टेक टाइम टू गेट टू नो योर सेल्फ इंटीमेटली, ask yourself questions, reflect on life, listen to what your heart tells you, be willing to dig deep and get to the roots of your pain, discover your soul's needs, self introspection can transform your life. Rakesh ji, there is no doubt reading is one of the finest medium. Absolutely. To start our inner journey, and when we are talking about reading लिटरेचर, तो हमारे मिशन के पास भी साहित्य का ट्रेजर कोई कम नहीं है। बिल्कुल। हमारे अंतर्मन की गहराइयों को समझने के लिए जो मिशन का साहित्य है और एक नए रूप में जो हमारे सामने आ रहा है वो पढ़ने योग्य है। और इसी भाव से हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है साहित्य से। एक छोटी सी कहानी, प्रेम मणि का प्रसाद, जिसे हमने लिया है संत निरंकारी पत्रिका के फरवरी महीने के अंक से। प्रेम मणि पारस मणि से भी ज्यादा कीमती है। इसके संपर्क में आने पर जो कुछ भी पास है वो तो रहता ही है, साथ ही लगातार बढ़ोतरी भी होती जाती है। एक दिन एक गरीब व्यक्ति ने एक साधु से विनती की, बाबा मेरी बिटिया का विवाह है, आप दयालु हैं, कुछ कृपा करें। साधु बोले, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचन हूं, किसी से कुछ भी नहीं मांगता। दिन भर वो व्यक्ति परेशान रहा, कई लोगों के पास गया लेकिन कहीं से भी उसे कुछ नहीं मिला। हताश और निराश होकर वो घर चला आया। 8 दिनों के बाद वो व्यक्ति दोबारा साधु के पास गया और बोला, बाबा कोई चारा नहीं, कोई आधार नहीं, आप ही कुछ कृपा करें। साधु से रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो। वो उसे नदी के तट पर ले गए। वहां एक वृक्ष था जो जड़ के पास से खोखला था। साधु ने कहा, जरा देखो तो, पेड़ की खूंडर में कुछ है? व्यक्ति ने उसमें हाथ डालकर देखा तो बोला, हां बाबा कुछ तो है। साधु ने कहा, उसे ले लो। व्यक्ति ने उसमें पड़े एक पत्थर को उठाया और पूछा, ये क्या है बाबा? साधु बोले, ये पारस मणि है। उस व्यक्ति ने सोचा, महात्मा ने इतने कीमती पारस मणि को यूं ही पेड़ की खोडन में रखा हुआ है, इनके पास निश्चय ही इससे भी ज्यादा कीमती कोई वस्तु होगी। अपने हाथ में पारस मणि लिए हुए उस व्यक्ति ने साधु से पूछा, बाबा आप इसका राज खोलिए ना, आपने तो पारस मणि को ऐसे ही डाल रखा है, तो क्या आपके पास इससे भी कीमती कोई मणि है? साधु ने कहा, हाँ इससे भी कीमती प्रेम मणि मेरे पास है, ये पारस मणि उसके सामने व्यर्थ है। ये सुनकर वह व्यक्ति बोला, बाबा अब तो मैं भी ये लेने वाला नहीं, देना ही है तो प्रेम मणि का प्रसाद दीजिए। पारस मणि में क्या, जितना दिया उतना गया, लेकिन प्रेम मणि में जितना दिया उससे कहीं ज्यादा बढ़ता जाता है, प्रतिपल प्रतिक्षण बस बढ़ता ही जाता है। आप यूं मुझे पे मेहरबान हुए जाते हैं, आप यूं मुझे पे मेहरबान जाते हैं, मेरे सब मरहले आसान हुए जाते हैं, आप यूं मुझे पे मेहरबान हुए जाते हैं।
हम तो हंस लेते हैं दुख में भी तेरी रहमत से। हम तो हंस लेते हैं दुख में भी तेरी रहमत से। लोग सुख परेशान हुए जाते हैं, लोग सुख में भी परेशान हुए जाते हैं। मेरे सब मरहले आसान राकेश जी, बाबा जी बुल्ले शाह जी का एक शेर फरमाते थे कि तू पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होया, कदी अपने आप नु पढ़िया ही नहीं। तू जाजा वड़दा मंदिर मस्जिद, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। वाह जी वाह। और इसी बात पे कामना जी, मुझे याद आता है एक कोट जो मैंने पढ़ा, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ मेक्स लिटिल डिफरेंस। No matter what your destination, just be sure to make every journey a journey within. जी राकेश जी, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर अपने जीवन यात्रा को सुखद सरल बनाना चाहते हैं तो अंतर यात्रा करनी ही होगी। और जब अंतर यात्रा करनी ही है तो उसका सबसे सरल सहज तरीका जो हमें हमारे सतगुरु ने बख्शा, उनके विचारों को अपने जीवन का आधार बनाना। तो आइए फिर जाते जाते अपने श्रोताओं को जोड़े जाते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन संदेश से, और हम लेते हैं इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। हर कोई इस निराकार से जहां जुड़े, वहां एक अपने अंदर की इंट्रोस्पेक्शन हमेशा चलती रहे कि ये हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो कारण हमारे सही कारण हो, एक सिर्फ इसलिए ना हो कि अंधाधुंध ये होता चला जा रहा है, ये किसी ने कहा था ऐसा करना है तो बेवजह बस बेतुकी एक रस्म की तरह वो काम किया जाए। हर चीज़ का एक राइट रीज़न लेकर तो ही करें, वरना वो चीज़ हमारे लिए एक असर उसका अच्छा नहीं होता। एक खुद ही हम अपनी चेतनता खो के कर रहे हैं, और ब्रह्म ज्ञान हर एक ने जो लिया है वो चेतनता का प्रमाण है। तो एक ब्रह्म ज्ञान में वाकई ही अगर पल पल रहना है, इस निरंकार के एहसास में रहना है तो चेतन हो के ही ये संभव होता है। तो हर कोई अपनी भक्ति को मजबूत करते जाए।